बस्ती दर्ज करा रहा है। समाज के लिए कैंसर जैसी भयावह समस्या से जूझने के लिए केएमसी कैंसर संस्थान केएमसी कैंपस मेरठ में विश्व की आधुनिकतम तकनीक मशीन वेरियन वाइटल बीम लाइनर एक्सीलेटर विद डायनेमिक आईएमआरटी रोबोटिक आईजीआरटी एंड रैपिड एआरसी एडवांस 24 चैनल एचडीआर ब्रैकोथेरेपी गामा मेटप्लेक्स 9th एंड पीईटी सीटी स्कैन फ्रॉम जी एंड मोस्ट एडवांस कायोस्टेट फॉर फॉरेन सेक्शन आरंभ हुए एक माह से ज्यादा का समय हो गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी के कर कमलों द्वारा रेडिएशन एनकोलॉजी विभाग एवं पीईटी सीटी विभाग का रिवन काटकर आज दिनांक 13 सितंबर 2018 को मेरठ बागपत रोड स्थित केएमसी हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ संपन्न हुआ। न्यू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से कैमरामैन नितिन कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, फिर ऑपरेशन के बाद वो काला चश्मा लगाना पड़ता था वगैरह वगैरह, रोज का अनुभव की बात है। लेकिन आज कैटरक्ट का ऑपरेशन मुश्किल से 5 मिनट में हो जाता है। तो विज्ञान की ये प्रगति जो है वो प्रगति समझें और प्रगति का लाभ वो पेशेंट के पास जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नया मशीन यहाँ लाकर डॉक्टर गुप्ता ने बहुत बड़ा काम किया है। इस संबंध में आपका क्या ऐसा है कि हम कौन से चश्मे से देखते हैं उस पर बहुत तय होता है, और मैं जिस चश्मे से देखता हूँ जानकारी दे के रहता हूँ, सारे प्रदेश की लेकर रखता हूँ, और इस भूमिका में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से सुधर रही है। और आज कुछ समय के पहले ही आपके यहाँ के ही पत्रकारों ने मुझे पूछा, तो मैंने उनको कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ की लेटेस्ट मशीनरी जो है वो लाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अपना अस्पताल खोलता है। मुझे लगता है कि अपने आप में अब ऊपर जाने के दिन आ गए। लेकिन विज्ञान ने बहुत प्रगति की है और सही समय पर कोई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वह ठीक भी हो सकता है। और इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, 24 साल के पहले मुझे कैंसर हुआ था और मैं उस समय पर एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद था। तो मैं जब टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई में गया तो उन्होंने मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप सांसद हैं, चाहे तो आपको हम विदेश भेज सकते हैं, वहाँ आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। तो मैंने कहा भाई आप टाटा कैंसर अस्पताल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, मैं मुंबई का हूँ, मैं यहीं ट्रीटमेंट हूँ। और मैं देखते देखते 9 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया। आज 24 साल हुए इस बात के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी पेशेंट के मन में डर होती है वो